जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी मधुर गीत ज्ञान में स्वागत है। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो गई है। बहुत से लोग माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसके लिए वो तरह तरह के उपाय करते हैं और माँ दुर्गा को तरह तरह के भोगों को चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, माँ दुर्गा इन भोगों को चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होती हैं, बल्कि आपके भाव से प्रसन्न होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से माँ दुर्गा को प्रसन्न किया जा सकता है और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। आज मैं आप सभी को उस चीज़ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपको 56 प्रकार के भोगों को चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको एक पुष्प के बारे में बताऊंगी, जो आपके भाग्य को उदय कर सकता है, आपके जीवन के सारे कष्ट सारी बाधाओं को दूर कर सकता है और आपको धन दौलत ऐश्वर्य से परिपूर्ण बना सकता है। माँ दुर्गा को थोड़ी सी ही पूजा से प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा को शक्ति का रूप कहा गया है। वे सब कुछ देने में समर्थ हैं, क्योंकि माँ का हृदय कोमल होता है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए भला ही चाहती है कि उसके बच्चे धन दौलत ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहें। माँ यही कामना करती है। दोस्तों, जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो बहुत ही छोटा सा है। इसके करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी और आपके पूरे घर को अन्न धन दौलत ऐश्वर्य से भर देंगी और आपके जीवन में चल रहे कष्ट परेशानी को दूर करेंगी। चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन से उपाय हैं जिनके करने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। तो पहला है विष्णुकांता का फूल। इसको हम अपराजिता के नाम से भी जानते हैं। इस फूल को नवरात्रि में माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा को चढ़ा देने से माँ बहुत जल्द प्रसन्न होती हैं। ये बताया गया है कि 1000 कमल फूल के बराबर एक विष्णुकांता का फूल होता है, यानी 1000 कमल के फूल चढ़ाने पर जो फल मिलेगा, वो एक विष्णुकांता का फूल माँ को नवरात्रि में चढ़ाने पर मिलता है। इस फूल को चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपका घर धन दौलत ऐश्वर्य से भर देती हैं। दूसरा है दोस्तों, नीम की जड़। नीम के पौधे में माँ दुर्गा की 21 बहनों का निवास होता है, तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को नीम की जड़ समर्पित किया जाए तो आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। तीसरा है कौड़ी। कौड़ी को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये समुद्र से प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई थी, तो नवरात्रि में कौड़ी भी घर ला सकते हैं। आपको पता ही होगा कि दिवाली में भी कौड़ी घर लाई जाती है और दिवाली पूजन में कौड़ी को भी सम्मिलित किया जाता है। चौथा है लाल गुड़हल। अगर आप एक लाल गुड़हल के पुष्प को सच्चे मन से ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र के जाप करते हुए माँ दुर्गा को नवरात्रि के दिनों में चढ़ा दें, तो ऐसा कहा जाता है कि 1,00,000 कमल पुष्प के बराबर केवल एक लाल गुड़हल का फूल होता है, तो इसको चढ़ा देने से साधक को जो भी कुछ चाहिए, माँ दुर्गा वो सब उसे प्रदान करती हैं। और अगर आप इस पुष्प की माला बनाकर माँ दुर्गा को नवरात्रि में चढ़ा देते हैं, तो फिर सोने पर सुहागा। आपकी जो भी मनोकामना हो, आप चाहे उपवास रखें या ना रखें, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा को ये पुष्प चढ़ा दीजिए, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, चाहे वो मनोकामना कैसी भी हो। और अगर आपने नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक इस पुष्प को चढ़ाया है, तो माँ आपको वरदान अवश्य देंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी,
कमेंट कर जरूर बताएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। माँ आपका कल्याण करें।